तो आपका जो बॉडी मूवमेंट होता है, पैरों का ग्रिपिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है जब भी आप टी शर्ट या शर्ट डालते करोगे, और पेन तो अलग लेवल का होगा। बिल्कुल भी बॉडी रोल नहीं हो रही है, ट्रस्ट मी बहुत सपोर्ट करेगा और आपका जो इफेक्ट आएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम बात करेंगे अपने कुछ ऐसे एक्सरसाइज के बारे में जो आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, बट आज जो बात करेंगे हम अपने बाइसेप्स के बारे में, जो कि बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी। और मुझे बोल रहे थे कुछ लोग कि भैया स्टेबिलिटी के साथ कैसे करें हम अपना बाइसेप का एक्सरसाइज, क्योंकि स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है और स्टेबिलिटी के साथ साथ टेक्निक कैसे मैटर करती है वो भी आज आप लोगों को बताऊँगा, जिससे कि आप लोगों को अच्छे इफ़ेक्ट्स आएंगे। तो आज करेंगे अपना बाइसेप का एक्सरसाइज, जिसमें आपको अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी और स्टेबिलिटी के साथ साथ अच्छे इफ़ेक्ट्स भी मिलेंगे। तो आप लोग ये रूटीन में ज़रूर ऐड ऑन करें, ताकि आप लोगों को अच्छी बिल्ड मिले अपने बाइसेप को ग्रो करने के लिए, और अच्छे नतीजों के साथ साथ अच्छी टेक्निक और स्टेबिलिटी के साथ आप ये कर सकते हैं। तो गाइज, अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी आज, हम सपोर्ट लेके करेंगे बेंच का, क्योंकि मेरे को कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि भैया हमारे बैक में पेन हो जाता है, सही से मूवमेंट नहीं आ पाती है। तो आज मैंने इसी वजह से बेंच का सपोर्ट लेंगे, ताकि आप लोग अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ अपने बाइसेप की एक्सरसाइज। क्योंकि बाइसेप पे क्या होता है, 6-7 रेपिटेशन के बाद हम थोड़ा दिमाग का कंट्रोल जो होता है वो खो देते हैं, लूज़ कर देते हैं अपना कंट्रोल। तो चलो आज इसी पे करेंगे। बिल्कुल भी इस पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, करने में बहुत मज़ा आएगा, आप इन्जॉय करोगे, और पेन तो अलग लेवल का होगा। तो आपकी जो ग्रिपिंग होगी सेम रहेगी, अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें, हाथ थोड़ा सा पीछे रखें और यहां तक लेके आना है। आपकी बॉडी इस पे रोल नहीं होगी, आप देखोगे जैसे, और धीरे धीरे लेके आना है नीचे। आप देख पा रहे होगे शायद के मेरी जो स्ट्रेंथ है पूरी सिर्फ बाइसेप्स से लग रही है, कहीं और मेरे को इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो कंट्रोल कर रखा है मुझे, पूरा मेरी बॉडी को जो कंट्रोल किया हुआ है वो मेरे बेंच के सपोर्ट ने किया हुआ है। तो मैं इजीली और बहुत कंफर्टेबली अपनी जो एक्सरसाइज है बाइसेप की वो कर पा रहा हूँ, और मेरा जो इफेक्ट आ रहा है सिर्फ बाइसेप्स पे ही आ रहा है। इसके कम से कम 15 से 20 रेपिटेशन लेने हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे इफेक्ट आए। आप लोग ये करना, मैं सच बता रहा हूँ, इतना मज़ा आ जाएगा आप लोगों करने में कि ना जो बाइसेप है वो फट के बाहर आएगा, फट के। क्यों? क्योंकि आपका जो बॉडी मूवमेंट है ना वो बिल्कुल भी डगमगाएगा नहीं, बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होगा, और जो इफेक्ट्स आएंगे आपके सिर्फ बाइसेप पे आएंगे। और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि बॉडी का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो। डन। दूसरी गाइज, अपनी जो दूसरी एक्सरसाइज होगी बाइसेप्स के लिए, उसमें हम अपना फोरआर्म्स भी ट्रेन कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, आप एड ऑन करें अपने रूटीन में। अब आप लोग ये बोलोगे कि अरे फोर आर्म्स को कैसे ट्रेन कर सकते हैं इसमें, तो आपको इसमें मैं ग्रिपिंग और टेक्निक बताऊंगा, ताकि आप लोगों को पूरा फोर आर्म और बाइसेप ये वाला पार्ट आपका निकल के बाहर आएगा। क्योंकि इसको करने के बाद आप लोग अपने हैमर नहीं कर रहे, आप लोगों को हैमर की जगह ये रिप्लेसमेंट में आ जाएगा। ट्राई करते हैं, सेम वेरिएशन सेम रहेगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि कुछ लोगों के मेरे को कमेंट्स आ रखे थे कि भैया थोड़ी टेक्निक का बताओ, हम लोगों को सपोर्ट नहीं मिल पाता है जब भी बाइसेप करते हैं, और अपने या तो शोल्डर पे आ जाता है या फिर बाइसेप पे नहीं आता है ठीक से। तो ये हम इस पर क्लोज ग्रिप मारेंगे, इतना लगा लें आप, इस हिसाब से लगा लें आप कि अपने अंगूठे यानी कि थंब से इतने साइज में, इतनी चौड़ाई पे, और जो आपकी जो ग्रिपिंग होगी यानी कि जो आपके एल्बोज होंगे, हाथ होंगे, इस तरीके से रहेंगे, इस वाले तरीके से रहेंगे, और थोड़ा सा हाथ आप आगे लेके आएंगे, कमर अपनी बैक यानी कि अपनी जो बैक होगी वो पीछे सपोर्ट पे लगा सकते हो, और इस तरीके से थोड़ा सा बाहर ले लें और ऐसे लेके आना है अपने, और धीरे धीरे जब भी आप ऊपर लेके आएंगे अपना हाथ, तो हाथ को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे इस तरीके से, ताकि यहां पे पूरा प्रेशर आए और यहां पे बाइसेप पे आए।
मैं करके दिखाता हूँ एक बार फिर से आप लोगों को। इस तरीके से आप ग्रिप रखेंगे और यहाँ पे आने के बाद एक सेकंड का होल्ड और ऊपर अपना ट्विस्ट करेंगे अपनी एल्बो को। तो ऐड ऑन करें आप ये वाली एक्सरसाइज अपने रूटीन में, अच्छे ग्रिपिंग रखें जब भी आप ये वाली एक्सरसाइज करें, क्योंकि इसमें ग्रिप का और आपके रिस्ट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर आप लाइट वेट भी नहीं मार पा रहे हो तो आप फ्री रोड मारें, ताकि आप लोगों को एक टेक्निक समझ में आ जाए, वेरिएशन समझ में आ जाए और आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए, तो फिर आप ये अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो ठीक है, तीसरी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं अपने बाइसेप की, जो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। तो गाइज अपनी जो तीसरी एक्सरसाइज होगी बाइसेप पे, वो लेंगे हम। किस तरीके से लेंगे आप लोगों को मैं बता देता हूँ। हमेशा जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया होगा पहले भी, ए हैमर पे जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका जो बॉडी मूवमेंट होता है, पैरों का ग्रिपिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप लोग बॉडी को रोल करोगे, रोल करोगे तो इस तरीके से यहाँ पे आना चाहिए हमारा जो पूरा मूवमेंट है, यानी कि पूरा स्ट्रेच है, पूरा पेन है, यहाँ पे होना चाहिए। उसकी जगह हम लोग फिर फोरआर्म पे आ जाता है, फोरआर्म की जगह यहाँ पे आने लगा था, वो नहीं करना है। तो इसीलिए जैसे कि मेरे को मैसेज आए हुए थे कि भैया थोड़ा टेक्निक पे, थोड़ा स्टेबिलिटी पे बताएं हमें कुछ एक्सरसाइजेस कैसे कर सकते हैं, तो आज तीसरी जो एक्सरसाइज होगी मेरी इस पे होगी। इस पे क्यों होगी? क्योंकि मैं इस पे अपना स्टेबिलिटी बनाऊंगा, बॉडी रोल नहीं होगी, कंट्रोल रहेगी, और जिस एक्सरसाइज के लिए करूंगा, जिस मसल के लिए करूंगा उसी पे इफेक्ट आएगा, उसी को टारगेट करेंगे। तो चलो ये एक्सरसाइज हम अपने इस वाले पार्ट के लिए करेंगे, यानी कि जो बाइसेप से साइड वाला है, इसको पूरे को ट्रेन करेंगे। बहुत अच्छा लगता है जब भी आप टी शर्ट या शर्ट डालते हो, अच्छे से एक आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट दिखती है इससे। तो चलो करते हैं। आप अपना जो हाथ होगा इस तरीके से आगे ले आए, बिल्कुल कलाइयाँ आप इस तरीके से स्ट्रेट रखें, ताकि जब भी आपका ऊपर लेके आए तो यहाँ पे आए, यहाँ पे नहीं यहाँ पे आए, आएगा यहाँ पर भी बट मेन यहाँ पर आएगा, और पूरा ऐसे लेके जाए नीचे। चलो अगर आपको वेट उठाते टाइम ज़्यादातर अगर जैसे यूं हो रहे हो वो नहीं होना, सिर्फ यहाँ पे लग जाए और इस तरीके से और ऐसे लेके आना है। पीछे हाथ लगा सकते हैं आप, ऐसे लेके आना धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे लेके आना है, ताकि जिस बॉडी पार्ट के लिए यानी कि जिस मसल के लिए आप ट्रेन कर रहे हो उसको करना है। मैंने साथ ही मारे हैं और फट गया, मजा आ गया। ऐसे इसी वाले पे भी करना है, बिल्कुल भी बॉडी रोल नहीं हो रही है। मेरा जो इफेक्ट आ रहा है सिर्फ मेरे बाइसेप पे, बाइसेप के साइड वाले हेड पे आ रहा है। तो आप इसके 3 सेट लेने हैं, लाइट वेट पे लेने हैं। क्यों? क्योंकि आपको इस पे स्टेबिलिटी बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, बट आपका जो ये बेंच रहेगा आपको बहुत सपोर्ट करेगा, ट्रस्ट में बहुत सपोर्ट करेगा, और आपका जो इफेक्ट आएगा सीधा आपका टारगेट होगा मसल, वो आपका बाइसेप पे साइड वाला आएगा। तो आज के लिए मेरी तरफ से ये 3 सेट यानी ये 3 एक्सरसाइजेस थी बाइसेप के लिए, जैसे कि डिमांड आई थी मेरे पास, मैंने उस हिसाब से आप लोगों को करिए। आप एड ऑन ज़रूर करना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे इफेक्ट्स आएंगे, सपोर्ट भी मिलेगा, स्टेबिलिटी भी मिलेगी, और पेन भी मिलेगा आपको जिस मसल के लिए कर रहे हो। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नई एक्सरसाइजेस के साथ, और कमेंट किया करो कि जो भी तुम लोगों को चाहिए, मैं ट्राई करूंगा अपनी तरफ से बेस्ट करने का, ताकि आप लोग भी मेरी तरह अच्छी ट्रेनिंग लें, जैसे कि मेरे को ट्रेन करते हैं गुरुजी। आपके पास ही नहीं होगा ऑब्वियसली, तो आप फॉलो कर रहे हो मेरे लोग, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो चलो ठीक है, सब्सक्राइब करें, नए हैं मेरे चैनल पे, और बने रहें मेरे व्लॉग्स में। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय।